नवरात्रि में कलश विसर्जन या ज्वारे विसर्जन करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दशहरे के दिन हम कलश विसर्जन करते हैं। बहुत सारे घरों में ज्वारे भी विसर्जित किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग घरों में एक तरफ कलश स्थापना की जाती है तो दूसरी तरफ ज्वारे उगाए जाते हैं, या बहुत सारे घरों में ज्वारे के ऊपर ही कलश स्थापना की जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ यह कैसी पूजा विधि की जाती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, घरों घरों में माता रानी की स्थापना की है, घर में ज्वारे ऐसे बोए गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े ऐसे ज्वारे हुए होंगे। आपके यहाँ भी अगर ज्वारों का ऐसा कलर दिख रहा हो, मतलब देखिए कि नीचे व्हाइट व्हाइट कलर और ऊपर ग्रीन ऐसा कलर आपके ज्वारों में दिख रहा होगा, तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। माता दुर्गा आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, उसका कृपा आशीर्वाद आप पर जल्द ही बरसने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दाहिने हाथ को लगा है इसलिए मैं बाएं हाथ से पूजा विधि कर रही हूँ। तो जिस दिन मतलब दशहरे के दिन हमको यह कलश विसर्जन करना है, तो उससे पहले हमने माता रानी की कलश स्थापना की ज्वारे की। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे तो उनकी हल्दी कुमकुम अक्षत फूल धूप दीप दिखाकर आरती बोलना है, उनको मीठा भोग दिखाना है, फिर कलश विसर्जन हम करते हैं। अभी तो बहुत सारे घरों में नवमी के दिन ही कलश को हिलाया जाता है। आपके यहाँ अगर ऐसा हुआ होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दशमी के दिन कलश को उठाया जाता है, मतलब कलश विसर्जन किया जाता है। तो पहले तो यह पूजा विधि करने के बाद उनको प्रणाम करना है, कोई चूक भूल हुई हो तो उनकी क्षमा याचना करनी है, और हमारी जो सेवा होगी तो वह सेवा स्वीकार करें। तो इस तरह से पहले तो हमने उस नारियल को उठाना है, कलश के नारियल को उठाने के बाद यह नारियल घर में फोड़ना है, और इस नारियल का प्रसाद जो है वह घर में ही बांटना है। फिर नारियल को प्रसाद में बांटने के बाद यह आम के पत्ते या नागिन के पत्ते होंगे तो वह दो पत्ते लेना है, और फिर कलश के अंदर का जो पानी है वह पानी से घर में छिड़काव करना है। यह जो कलश के अंदर का पानी है उसको देवी शक्ति प्राप्त हुई है, तो इससे उस पानी को घर के चारों तरफ छिड़काव करने से हमारे घर में माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो फ्रेंड्स, अभी बचा हुआ जो पानी है वह अपने घर के गमलों में डाल देना है। इस कलश के अंदर जो सुपारी है और वो जो रुपए का सिक्का है, तो सुपारी जो है वह हमारे पूजा स्थल पर रखना है, उसकी हर दिन पूजा करना है, और जो सिक्का है वह हमारे तिजोरी में रखना है। इससे यह सिक्का रखने से हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, भगवान को चढ़ाए गए फूल फेंकना नहीं है, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। इन फूलों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कैसे करना है यह मैंने वीडियो में बताया है। आपको यह वीडियो देखना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यह जो चावल है, यह चावल आप पक्षियों को खिला सकते हैं, या घर के जो सदस्य है वह इसका मीठा भोग बनाकर खा सकते हैं। अभी जो यह ज्वारे है तो इन ज्वारों को भी अच्छे से प्रणाम करना है, क्योंकि यह ज्वारे है जो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। 5 या 7 यह ज्वारे तोड़कर माता रानी के समक्ष रखना है, क्योंकि माता रानी से हमें यह ज्वारों के प्रतीक आशीर्वाद मिलता है। तो ज्वारे का प्रतीक मतलब यह सुख समृद्धि का आशीर्वाद होता है। अभी यह जो ज्वारे है, इन ज्वारों का विसर्जन किया जाता है, तो बहुत सारे घरों में यह जो ज्वारे है घर के सदस्य के कान के ऊपर लगाते हैं, और जो महिला है वह अपने बालों में इसको लगाते हैं। इससे माता रानी का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहता है। और जो बाकी के जो ज्वारे है, बहुत सारे लोग इनको सर पर लेकर कहीं नदी या तालाब में जाते हैं और उनको विसर्जित करते हैं। इससे नदी तालाब में जो जलचर प्राणी है तो उनको खाद मिलता है, इससे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आजकल
नदी तालाब प्रदूषित होता है इसलिए वह विसर्जित करना मनाही होता है। तो फ्रेंड्स अभी यह जो जवारे दिख रहे हैं तो जवारे का सफ़ेद सफ़ेद भाग नीचे का लेना नहीं है, ऊपर ऊपर का जो हरा भाग है वह कैची से कट करके लेना है और उनको मिक्सी जार में पीस के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वह छान के उसका जो रस है वह पीना है। इसमें विटामिन सी होता है और कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, इससे सारे सदस्यों को इसका लाभ भी होगा और माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।